तस्करी लगभग 4 से 5 सालों से हो रही है, जिसके इसके पहले वालू पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने बहुत बार पुलिस वालों को मौखिक रूप से बोला था कि आप लोग इस पे कार्रवाई करिए, फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं। उनका वो आते जाते रहते, देखो ये भी लड़का है, ये भी जा रहा है, वही ये भी जाएगा वहाँ छुट्टी खरीदेगा। यहाँ कम से कम 150 से 200 लोग रोज इस पुलिये के माध्यम से उसके यहाँ छुट्टी खरीदने जाते हैं। नमस्कार, मैं शैली धाड़वे। आज हम आपको ऐसी खबर दिखाएंगे जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से नशीली पदार्थ की चपेट में वसई विरार शहर आ रहा है। वसई विरार शहर के युवकों को नशा अपनी आगोश में ले रहा है। ये खबर को देखने के बाद आप चौंक जाओगे, लेकिन इस खबर को देखने के बाद पुलिस प्रशासन क्या कुछ करेगी ये देखने वाला होगा। देखिए ये खबर। किसी एक व्यक्ति की नशे की लत से परिवार और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बेहतर समाज निर्माण के लिए नशा छोड़ना जरूरी है, लेकिन वसई विरार शहर में मादक पदार्थ की खुलेआम बिक्री हो रही है, जिसके शिकार 16 से 18 साल के बच्चे भी हो रहे हैं। कई बार नशीली पदार्थ के विरोध में आंदोलन किए गए और पुलिस प्रशासन द्वारा भी कई बार नशा मुक्ति अभियान चलाए गए, लेकिन जो तस्करी करते हैं उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाती। नाला सोपारा के धानी बाग की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें नशेली पदार्थ की तस्करी खुले आम हो रही है। देखिए ये वीडियो। कहाँ से आ रहा है? मैं भैया इधर से आ रहा हूँ। क्या लिया है? ये चिट्ठी लिया। किसके यहाँ से लिया? गुलशन से और सौरभ सुब के इधर से लिया। एक कितने का है, दिखा हाथ में, एक कितने का है? ये 160 का है। कहाँ से लिए भाई ये? गुलशन शेख और सौरभ सिंह। वीडियो में सभी के जुबान पर बस दो लोगों के नाम हैं जिन्होंने उन्हें नशे के पदार्थ दिए। वीडियो में कई बच्चे ऐसे नजर आ रहे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जिनके अभी खेलने कूदने और पढ़ाई करने के दिन है, लेकिन नशे के इस कारोबार ने बच्चों के भविष्य को अंधेरे में डाला है। लोगों का कहना है कि इसके बाद प्रशासन अभी भी मौन बैठी है। आइए जानते हैं इस पूरे विषय पर बीजेपी के संतोष यादव ने क्या कुछ जानकारी दी है। मैडम, तस्करी लगभग 4 से 5 सालों से हो रही है, जिसके इसके पहले वालू पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने बहुत बार पुलिस वालों को मौखिक रूप से बोला था कि आप लोग इस पे कार्रवाई करिए, फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र लगभग 8-10 साल है, वो नशे में करते हुए हमको मिले, तो हमको बहुत इस बात का बहुत दुख हुआ। तो हमने इसको लिखित लेटर में, मतलब पत्रक के माध्यम से पुलिस को और एसएसपी साहब को और आयुक्तालय को हमने अवगत कराया है। बोला कि अगर ऐसा कुछ है तो उनको हम पुलिस स्टेशन में डालेंगे, और अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई हमको देखने को नहीं मिला। जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बाद क्या आपने इसकी जानकारी दी? बिल्कुल, हमने पुलिस को बताया है, वीडियो हमारे मोबाइल में, कल के रात में हमने 2 जन का वीडियो बनाया है, हमारे मोबाइल में है। हमने पुलिस को बोला तो बोले नहीं, हम आपको आके हमको आप मिलो, भेजो मत। मुझे अभी ये लेटर डालने के बाद चौगले साहब ने मुझे बुलाया था, फिलहाल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस सब चौगले साहब ने बुलाया था। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, उन्होंने जब से फिलहाल पुलिस स्टेशन बनाया है, यहाँ क्राइम ग्रोथ इतना कम किया है कि हम जनता बड़े सुकून से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ चोरी कम हो गई, सारी व्यवस्था कम हो गई। चौगले साहब को हम लोग धन्यवाद देंगे, पर कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जिनके साठगांठ से ऐसा काम हो रहा है चौगले साहब के पीठ के पीछे। अगर ये सब सही होता है तो हम लोग चौगले साहब को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। दिखा दिखा, जो हम लाया अच्छे से दिखा देगा तो बड़ी मोहब्बत से जाएगा। अगर बीड़ी है और कुछ नहीं, चलो हम देख लेते क्या है। तेरे माचिस निकल और कुछ नहीं। अरे मुझे मालूम है, चिट्ठी है ना, कितना लिया? एक ही लिया। दिखा इधर मैडम, खोल के दिखा पूरा, उसको खोल के दिखा, निकाल उसको। अभी आपके सामने जो हुआ, आपने प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने देखा कि हुआ क्या है ना। हमने उसको बुलाया ना, वो सामने से आ रहा था, उसको रोक के चेक किया गया, तो आपके सामने आपको चिट्ठी और गरद की पुड़िया निकली, और उसने खोल के भी आपको दिखाया देगा। यहाँ कम से कम 150 से 200 लोग रोज इस पुलिये के माध्यम से उसके यहाँ चिट्ठी खरीदने जाते हैं। कंप्लेंट लिखित रूप से नाम लेके दिया है, सौरभ सिंह और गुलशन शेख नाम की महिला ऐसा नशीला पदार्थ बेचती है। ये मैं लिखित रूप से चिट्ठी पत्रक के माध्यम से आयुक्तालय डीएसपी साहब को और फेलार पुलिस स्टेशन को गया हूँ। फेलार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस स्टेशन श्री चौगले साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस और इसके नशीले पदार्थ के धंधे को जल्द से जल्द बंद करें। हमारे छोटे छोटे बच्चे, यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, वो बिगड़ रहे हैं,
उनके माँ बाप बहुत ही परेशान हैं। हम सबकी तरफ से आपसे विनती करेंगे कि इस नशीले पदार्थ बेचने वाले को जल्द से जल्द अंदर करें और इसे यहाँ पे जो अड्डा इनका चल रहा है उसको जल्द से जल्द बंद कराएं। सवाल सिर्फ इतना है कि प्रशासन मौन क्यों है? ये सारे बयान और वीडियो देखने के बाद अब बस इतना ही है कि वसई विरार शहर नशा मुक्त कब होगा और आखिरकार कब प्रशासन इन सब पर एक्शन लेगी।